एटीट्यूड. फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत ढेर सारे सेल, ऑफर, डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो सब पे ही चल रहा है. और मैंने बहुत सारे कुर्ता खरीदा है, तो ये वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज कुर्ता हॉल बेसिकली फ्रॉम मिंत्रा. सो यार गाइस विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जाके वो रेड कलर का जो बटन है, वो सब्सक्राइब का बटन है, आप जाके उसको दबा दो. साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन भी दबा देना और साथ ही में घंटा भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिलती रहे. तो आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगी ये इस वाले कुर्ता से. ये है लिबास ब्रांड से. ये स्लाइटली ये ना पिन लगा के ना मैंने ये जो ईयरफोन होता है ना वो लगाया हुआ है ताकि मुझे अच्छी आवाज मिले. बेसिकली मेरे पास माइक मेरा खराब हो गया है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दो, बाकी आप कुर्ते पे फोकस करो. तो ये है इसका नेक डिजाइन, बहुत सुंदर है ना, यहाँ तक आता है, थोड़ा सा बस्ट के नीचे तक आता है. ये 3/4 क्वार्टर स्लीव्स है, बानी प्रिंट डिजाइन है. ये व्हाइट कलर के लेस है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. ये छोटा सा यहाँ पे की होल नेक डिजाइन है, अदरवाइज इट इज राउंडेड एंड ये प्लीटेड स्टाइल में. अच्छा मैं एक बार उठ जाती हूँ. हाँ तो ये है आपका प्लीटेड स्टाइल में, अनारकली शेप, बिल्कुल फ्लेयर्ड हेम आएगा. सो इट इज अ वेरी नाइस कुर्ता, वेरी मच कंफर्टेबल कुर्ता, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया. इसका जो कलर है दैट इज पिंक, बट उनके वेबसाइट पे लिखा है कि दिस इज कोरल कलर विच इज रॉन्ग, तो आप उनके वेबसाइट के कलर पे मत जाना. मेरा साइज है इसमें स्मॉल एंड मुझे ये मिला 841 रुपीज का आफ्टर ओवरऑल कंप्लीट, जितना भी मैं डिस्काउंट लगा सकती थी, अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती थी. हो गया मेरा पहला कुर्ता, वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल. इसे पहन के ना बिल्कुल मजा सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहना ही नहीं है, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, कॉटन फैब्रिक का है. सो यार गाइस आई लव दिस वन. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता. अच्छा सॉरी मूव करने से पहले मैं तो इसका ये सब दिखाना ही भूल गई भाई, इसके साथ पैंट्स भी आए हुए हैं. पैंट काफी फ्लैट पैंट्स हैं ये, प्लाजो पैंट्स हैं. इसमें नीचे में भी ये लेस दिया हुआ है एंड या इसमें बात करूँ पॉकेट्स की तो पॉकेट्स हैं. अच्छा कुर्ते में पॉकेट्स नहीं है, पैंट में पॉकेट्स हैं एंड दोनों साइड ही पॉकेट्स हैं. एंड ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा रहा है. ओहो दुपट्टा इज सो नाइस, मैंने एक काम करूं मैं इसे डाल देती हूँ. दिस इज द दुपट्टा इन द सेम कलर, द पिंक कलर, द बांधनी प्रिंट डिजाइन. लेंथ दुपट्टा की बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल ये एक आपको मोनोटोनस कलर या फिर एक सिंगल कलर देने वाला है पिंक. सो आई रियली लाइक दिस पिंक, दिस इज नॉट वेरी मच भड़काऊ पिंक, दिस इज वेरी सटल, दिस इज वेरी लवली काइंड ऑफ पिंक. सो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो दिस इज फ्रॉम दी ब्रांड सांगरिया. ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे मॉडल कोई देखा था पहने हुए, उसने ना मींस ये रोल अप स्लीव्स है. अच्छा मैं ऊपर के बारे में बता दूं, ये आपका मैंडरिन कॉलर और साथ में ना ये प्लीटेड डिजाइन है ये आगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा. ये 3/4 क्वार्टर स्लीव्स है एंड आप ये बटन डिटेलिंग आगे दी हुई है ऐसे, तो ये पूरा आपका बंद हो जाता है यहाँ तक एंड नीचे से ना ये पूरा ऐसे फ्लोई है अनारकली स्टाइल में, प्लीटेड वाला नहीं है ये. ओके पूरा अच्छे से अनारकली दिया हुआ है एंड साथ में यहाँ पे पॉकेट्स भी हैं, दोनों साइड में ही पॉकेट्स दिए हुए हैं, यार कितना अच्छा है ये. अच्छा ठीक है मैं इसके ना पैंट्स के बारे में भी आपको बता देना चाहती हूँ. पैंट्स इसका बिल्कुल सेम मस्टर्ड येलो कलर में है विद दिस काइंड ऑफ पैंट्स, प्लेन पैंट्स है ये. अच्छा ये कितना वर्सेटाइल पैंट हो गया ना, आप इसको किसी दूसरे कुर्ता के साथ या शॉर्ट क्रॉप टॉप के साथ भी पहन सकते हो, काफी अच्छा लगेगा. इसमें ये दो बटन दिए हुए हैं अच्छी फिटिंग के लिए एंड दिस इज द जिपर. इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बता रही थी ना आपको कि जब मैंने मॉडल को देखा था ना ये पहनते हुए, मींस उसने इसे पैर किया है व्हाइट स्नीकर के साथ, इतना स्मार्ट इतना क्लासी लुक लग रहा है ना, वो देखते ही मैंने इसको मंगा लिया था. इसका कलर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और साथ में इसका जो स्टाइल है ना, मैं भी उस तरीके से स्टाइल करूंगी व्हाइट कलर के स्नीकर्स डाल के, इसलिए मैंने इसे मंगाया. अदरवाइज आप इसे दूसरे एथनिक वेयर के तरीके से भी पहन सकते हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. इसमें है मेरा साइज स्मॉल, ये बेसिकली मुझे पड़ा है 728 रुपीज ओनली. अच्छा जो नेक्स्ट वाला है ना वो भी ब्रांड सांगरिया से है एंड मुझे ना ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऑफिस वेयर के लिए मैंने बेसिकली इसे मंगाया था. ये मुझे मॉडल पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड मुझ पर भी ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये नॉर्मल स्लीव्स हैं एंड ये प्रिंटेड डिजाइन है, ये पैनल्ड स्टाइल में
नीचे से थोड़ा फ्लेयर होता है, ये ना पूरा आगे ये ऐसे बटन दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक, तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा बटन दिया हुआ है ना, तो आप चाहो तो इसे अपने दूसरे ड्रेसेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, एज अ श्रग इट कैन बी यूज। इसका जो तो डिजाइन है वो काफी सिंपल सोवर एंड ओवरऑल ना ये बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। नीचे से ये हल्का सा फ्लेयर है, बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा थोड़ा सा वेट कम होता ना तो ये मुझ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, बिकॉज ये ओवरऑल ना बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड क्लासी लुक देता है। कि नहीं, पैंट्स हैं यहाँ पे जो कि प्लेन व्हाइट कलर में है, थोड़ी सी फ्लैट है ये नीचे से, एंड ऊपर में ये इनका सेम कुर्ते वाला डिजाइन दिया हुआ है। पॉकेट्स हैं, पॉकेट बहुत छोटे हैं, पता नहीं सांगरिया से एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। एंड इसमें ये जिपर दिया हुआ है, जिपर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बट द प्रॉब्लम विद द पैंट्स इज की कंप्लीटली झलकता है ये अंदर का पैर, मीन्स ये सी थ्रू होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो आप चाहे तो अंदर से इनर लगवा सकते हो। सी थ्रू की प्रॉब्लम हल्की सी ऊपर वाले के साथ हो सकती है, मीन्स स्लाइटली नॉट वेरी ज्यादा। अगर आप अंदर स्किन कलर का इनर वेयर पहनते हो तो यू आर गुड टू गो, देयर विल बी नो इशू। इतना थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव भी है बिकॉज ऑफ द लुक, एंड ये मुझे मिला है 1109 रुपीज का आफ्टर सारा डिस्काउंट, बट स्टिल ये मुझे पसंद है। दिस इज वेरी 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 वर्सेटाइल, यू कैन वेयर इट विद अदर ड्रेसेस ऑल्सो, सो वॉट मेक्स इट यूनिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये है लाइम ग्रीन कलर का, द कलर इज वेरी सुंदर, ठीक है। ये है ब्रांड हेयर एंड नाउ से। हेयर एंड नाउ का आज तक मैंने एक भी कुर्ता नहीं मंगाया था, दिस इज द फर्स्ट कुर्ता जो मैंने मंगा के देखा है। द कपड़ा इज वेरी वेरी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, वेरी लाइट वेरी कंफर्टेबल। ये इनकी बेल स्लीव्स हैं, काफी अच्छी फ्लैट स्लीव्स है ना, एंड ये गोटा पट्टी सिल्वर कलर का काम दे रखा है, एंड ऊपर में ये बटन डिटेलिंग दे रखी है, एंड ओवरऑल नीचे जो है वो फ्लैट हेम है इनका, लाइट ग्रीन कलर का ही, एंड ये वाइट वाइट कलर के डॉट्स बने हुए हैं। द कलर इज वेरी मच सुंदर, एंड इसमें मैंने साइज ऑर्डर किया है अपना स्मॉल, जो कि मुझे हल्का सा लूज आ रहा है। ये मुझे मिला है ना 999 रुपीज में, 1000 में 1 रुपए कम, सो दिस इज अंडर 1000 रुपीज। बात करूं मैं इसकी पॉकेट्स वगैरह की, तो पॉकेट्स इसमें नहीं है, काफी लंबा है ये। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बात पता है क्या है, कोई सी थ्रू की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अंदर ये अस्तर यानी कि इनर दिया हुआ है सेम कलर का, जो कि पूरा ऊपर तक है, तो इसमें पिछले वाले की तरह कोई भी सी थ्रू का इशू नहीं होगा। दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। मूविंग ऑन टू द प्लाजो पैंट्स, जो कि फ्लैड है, नीचे से जाके फैल जाता है, सो इट इज अ फ्लैड विच इज अगेन इन द लाइम ग्रीन कलर, एंड इसमें पॉकेट्स दिए हुए हैं। पॉकेट्स इसके बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे पॉकेट्स हैं, आपका ना बड़ा से बड़ा फोन भी इसमें आराम से आ जाएगा। एंड उसके साथ ये मिला है दुपट्टा, दुपट्टे में व्हाइट कलर का फ्लोरल प्रिंट डिजाइन के साथ साथ और भी एथनिक टाइप के प्रिंटेड डिजाइन्स बने हुए हैं, एंड साथ में ये बॉर्डर पे गोटा पट्टी का काम दे रखा है। सच बताओ ना तो मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि इसका साइज का थोड़ा सा इशू है, ये मुझे काफी ज्यादा ढीला हो रहा है, एंड थोड़ा सा ये प्लेन एंड काफी ज्यादा सिंपल भी लग रहा है, एंड बाकी जो कुर्ताज आए हैं वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो मे बी आई विल रिटर्न इट। नेक्स्ट इज दिस वन, ये मैंने मंगाया था बिकॉज ऑफ द फैब्रिक, मुझे एक कुर्ता चाहिए था जिसका फैब्रिक हो जॉर्जेट, एंड इसका जो प्रिंट था फ्लोरल प्रिंटेड डिजाइन, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बड़े बड़े फ्लोरल इसमें प्रिंट डिजाइन बने हैं, कलर भी इसका ब्लैक है जो काफी अच्छा कलर है। नीचे ये अनारकली तो नहीं, पीटेड में फ्लेयर डिजाइन दिया हुआ है, आप बगल में देख सकते हो कि मैंने इसे एज अ ड्रेस भी पहना हुआ है, तो ये काफी सही लग रहा है, और ये राउंड नेक डिजाइन है, एंड इसका जो स्लीव्स है ये प्योर जॉर्जेट है, कोई इनर नहीं है स्लीव्स में, अदरवाइज जो आपका ये है ऊपर का टॉप, दैट इज द कुर्ता, इसमें ये पूरी अच्छे से स्लीव्स दी हुई है विच इज इन द पॉलिएस्टर मटेरियल, अदरवाइज जो कुर्ते का जो मटेरियल हो ऊपर से दैट इज जॉर्जेट, इसलिए इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था द फैब्रिक इज पॉली जॉर्जेट, सो इट इज मिक्सड जॉर्जेट एंड द पॉलिएस्टर। पैंट्स में आगे पीछे दोनों साइड इलास्टिक दी हुई है, आप किसी भी साइड पे पहन लो, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइनिंग दी हुई है, सेम फ्लोरल प्रिंट डिजाइन है,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई सी थ्रू का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में आया है इनका ये ब्लैक कलर का दुपट्टा जो कि प्लेन है, सिर्फ ये बॉर्डर पे सेम फ्लोरल प्रिंट डिजाइन दे रखा है। दुपट्टे की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है बट ओवरऑल जो ये है मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे ना ये ऊपर से थोड़ा सा टाइट हो रहा था। बाय द वे एस्पोरा ब्रांड से, ओके एस्पोरा बोलते हैं एस्पोरा बोलते हैं पता नहीं, मुझे पहली बार मैंने ये ब्रांड ट्राई किया है, मुझे ये अच्छा लगा। मैंने साइज मंगवाया है इसमें स्मॉल, राउंड ऑफ करके मुझे ये पड़ा है 1112 रुपए का। अगर ये मेरी फिटिंग वाइज भी सही बैठता मुझ पे तो मैं इसे रख लेती, शायद मैं इसे रिटर्न कर दूंगी क्योंकि एक बड़ा साइज ऑर्डर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्या पता वो बहुत ज्यादा लूज आ जाए। आई थिंक कि मुझे जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए और अपना थोड़ा सा जो बड़ा हुआ वेट है ना उसको कम करना चाहिए ताकि जो कपड़े की फिटिंग है वो काफी अच्छी आए। आई लाइक दिस वन द फ्लोरल प्रिंट वन, यार मैं इसे रखना चाहती थी। ये है ब्रांड मोची से। अच्छा ये ना मैंने फ्लिपकार्ट पे बहुत पहले देखा था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले ही देखा था, तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा था, उसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा अच्छे थे बट उस टाइम में मैंने लिया नहीं था। इस बार मैंने इसे मिंत्रा पे देखा तो मैंने इसे मंगा लिया। ये फ्लोरल ही है, फ्लोरल डिजाइन ही है, ये पिंक कलर के है एंड बॉर्डर पे ये रेड कलर का दिया हुआ है, साथ में हल्का सा गोल्डन कलर का भी इसमें काम दिया हुआ है, ग्रीन कलर भी है, 3/4 क्वार्टर स्लीव्स हैं ये। नीचे से ये काफी लंबा है, पूरा फ्लैट हेम है, ये प्लीटेड डिजाइन में है एंड ये फ्लोरल बना हुआ है। अपियरेंस में ये कोरली थोड़ा सा आता है, मीन्स थोड़ा सा ऑरेंजिश कोरलिश टाइप का आता है बट एक्चुअली दिस इज इन द कलर पिंक कलर, ठीक है। इसके साथ कोई दुपट्टा मुझे रिसीव नहीं हुआ है बल्कि इसके साथ मुझे पैंट्स मिले हैं। पैंट्स में भी सेम एग्जैक्ट डिजाइन है, काफी फ्लैट पैंट्स हैं, नीचे में ये बॉर्डर दिया हुआ है विद द सेम डिजाइन, ओके। इसमें ना ज्यादा कुछ सी थ्रू की ना सच बताऊं तो प्रॉब्लम मुझे ऐसी लगी नहीं। आप जस्ट बेज कलर जो स्किन कलर होता है ना उसके इनर वेयर पहनो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पॉकेट ढूंढ रही हूँ, इसमें पॉकेट दिया है क्या? अच्छा इसमें ना कोई पॉकेट नहीं है, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। आजकल मैं वैसे कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर नहीं करती जिसमें पॉकेट ना हो क्योंकि यार इतना सारा सामान कैरी करना होता है, हमारा भी तो वॉलेट होता है, हमारे पास भी तो फोन होते हैं, कहाँ रखे। और पर्स कैरी करना मुझे ना ज्यादा पसंद नहीं है, वो ना मुझे सच बताओ तो बहुत बार टिटिमा लगता है। इसमें ना मैं आपको अपना साइज बता देती हूँ, मैंने ये ऑर्डर किया था साइज स्मॉल में एंड ये मुझे पड़ा है 755 रुपीज का ओनली। तो यार गाइस दिस वाज ऑल, पूरे के पूरे 6 कुर्ता मैंने आपको दिखाए हैं। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से सबसे अच्छा कुर्ता कौन सा लगा। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मैंने आज दिखाए हैं उन सभी के जो डिटेल्स एंड लिंक्स होंगे वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपको जरूरत होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा और साथ में मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा बजा के जाइएगा जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिले। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में,